हेलो, आज हम लोग क्लास 10th का पेपर 2 का सोल्यूशन देखेंगे जो 4th फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सेक्शन 2 में, पेपर 2 में सेक्शन 3 सेक्शन से सेक्शन 1, 2, 3। और पहले सेक्शन में +1 थे, दूसरे सेक्शन में +5 और तीसरे सेक्शन में +4। और पहले सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बल्कि दूसरे और तीसरे में -11 की मार्किंग दी गई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। द टाइम स्पीड ऑफ चेंज पार्टिकल अंडरगोन ए सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इनडिपेंडेंट ऑन इट्स स्पीड। फर्स्ट का ए, द मिराज इज द फिनोमेना डू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग देखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर ए कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म्ड मे बी रियल और वर्चुअल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, द क्रिटिकल इमेज ऑफ द मीडियम इज 60 डिग्री, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 1/√3/2, तो यानी कि 2/3, तो 2/√3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.55 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, टू ए बर्ड इन एयर ए फिश इन वाटर अपीयर्स टू बी 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्फेस। ठीक है, एयर से वाटर में है, तो एयर से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है, x बाई 15, ट्रू डेप्थ हमने x मान ली, एपरेंट डेप्थ हमें 15 नज़र आ रही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दिया गया, 4/3, तो x आ गया, एक्चुअल इज ट्रू हमारी आ रही है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 6, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड एज ए प्लेन मिरर रोटेटेड थ्रू ए एंगल थीटा टू द एक्सिस लाइन इन इट्स प्लेन। ठीक है, तो हमारा ये कोई अगर ऐसे रिफ्रैक्टिव इंसिडेंट लाइट आ रही है किसी भी प्लेन मिरर पे और वो ऐसे रिफ्रैक्ट हो जा रही है, तो मान लीजिए हमने मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। अब अगर मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दें, ठीक है, तो मिरर अगर हमारा रोटेट हो गया तो अब हमारा ये जो एंगल हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 2 थीटा, हमारा पहले से डबल हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाना चाहिए। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ठीक, तो इसमें हमें पूछा गया ए बी के अक्रॉस, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमको एक वीट स्टोन ब्रिज जैसा नज़र आता है। इसको हम रीअरेंज कर लें तो ये वाली साइड को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, और ये वाला जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये ऐसे, तो फिगर को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये अगर फिगर ऐसे हो गया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक ऐसे शॉर्ट सर्किट वाला पाथ है, तो इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये हमारा इधर आ गया, तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है, 2 और 2 पैरेलल में, फिर अगेन 2 और 2 पैरेलल में नज़र आ रहे हैं, और ये फिर उसके साथ पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो 2 और 2 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 और 2 को करेंगे 1, 1 और 1 सीरीज़ में, और ये हो गया 2, 2 और 2 पैरेलल में, इन दोनों का फिर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक है, 7th का 1 ओम। मैग्नेटिक सर्किट एट द सेंटर ऑफ द करंट लाइन करंट लूप इन ए इज हैविंग 1 एम्पियर करंट, द नंबर ऑफ टर्न्स 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये सर्कुलर लूप का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2πi/r, म्यू नॉट बाई 2, तो ये दोनों 1 1 हम लोग को दे रखे हैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9th, द लैम्प रेटेड, हमको जब भी कोई रेटेड वैल्यू दी जाती है तो सबसे पहले आप उसको लैम्प जो प्रिंट है, मतलब ये लैम्प प्रिंट है 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका क्या कर लें, रेसिस्टेंस फाइंड कर लें, तो रेसिस्टेंस होता है V² / P, तो एक्चुअल में बल्ब का रेसिस्टेंस है 484, जो कि चेंज अब नहीं हो सकता। अब हमने इसको बदली हुई सप्लाई के साथ लगा दिया तो कितनी पावर कंज्यूम होगी, सिंपल पावर इज इक्वल टू V² / R, यहाँ वोल्टेज ले लिया, रेसिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, कितना हो गया 25 वाट। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। कोई भी रे जब पैरेलल आती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं होती, ये गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का एल्यूमिनियम होगा कोटेड। क्वेश्चन नंबर 12, नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट दे रखा है, ये आप एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि इसमें इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, 13 का सी, 14 का बी सोडियम कार्बोनेट,
15 का बी, 16 का सी, 17 का ए, ठीक है। अगर इन केस आपको कोई इसमें प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो जनरली ये सब सही हैं। 18 का डी, 19 का डी, 20 का ए, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में आ जाते हैं। 21, द पेरीमीटर ऑफ इट सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे हम लोग जो पेरीमीटर हम देखते हैं तो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है विच इज़ इक्वल टू 18 बाई एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 14, ठीक। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। इस तरह क्वेश्चन कई आ चुके हैं। कोई एक ऐसा पॉइंट है सी जो ए और बी से सेम डिस्टेंस पे है, तो ए सी की डिस्टेंस जो होगी वही हमारी बी सी की भी डिस्टेंस होगी। तो डायरेक्ट हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, तो अंडर रूट हट गया, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों को सॉल्व कर दिया तो हमको क्या मिल गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट था, सिंपल क्वेश्चन है। ए लैडर रीचेज ए विंडो 12 मीटर अबव द ग्राउंड, इज फुट इज डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, एक्स इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम दिस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग का सीबीएसई बोर्ड से हट गया था तो कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पहले भी बताया था कि इसका एक क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन आ भी रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने लगा के डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड, अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू 12th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो फ्रॉम बिगनिंग से जो 12th टर्म होगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और लास्ट से 9th है तो लास्ट से, तो यहाँ पे बदल जाएगा एन माइनस 9 इंटू डी। हमने लास्ट के हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया तो डी की हमारी वैल्यू आ गई, तो डी हमारा डी से डी कैंसिल हो गया, एन इज इक्वल टू 20, तो 20th टर्म आ गया। बी इज इक्वल टू 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, तो यहाँ पे ये पी रैशनल है, ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट हो चुका है, तो यही एक ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा और चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो यही एक कैसा होगा, इरेशनल होगा सी। 27 में द वैल्यू ऑफ द एक्स विच इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिंपल इन सब की वैल्यूज रखते चले जाना है और रख के डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देना, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था 27। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 28 में, 28 में हमें क्या दिया गया, डिस्टेंस बिटवीन, कोई भी दो, हमें दो पॉइंट दे दिए गए, आर और एस, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू को सॉल्व कर दिया, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, सिंपल था। इफ़ ए एंड बी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन साइन ए इज इक्वल टू कॉसिक बी, ठीक है। सेक ए इज इक्वल टू कॉसिक बी, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यही होता है, ठीक। या फिर साइन ए कॉस ए होता, या टेन ए कॉट ए होता, या सेक ए कॉस ए होता, तो ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नंबर एक्स कॉमा 1/2, 1/3 आर इन ए पी, द एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तीन टर्म दिए गए हैं, a1, a2, a3, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, किन्हीं भी दो टर्म का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, वो कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है, और किन्हीं भी दो, तो कॉमन डिफरेंस सब में क्या होता है, सेम होता है। तो a2 - a1 = a3 - a2 के बराबर होगा, तो ये हमने वैल्यू रख दी, डायरेक्ट हमें x की वैल्यू मिल गई 2/3, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक। सारे क्वेश्चन सिंपल थे। नाउ सेकेंड सेक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, द स्मॉल विंड मिल्स हमें दे रखी है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, पावर दे रखी है 100 वाट, 1000 वाट कर देंगे, किलो वाट 8 × 0.8 किलो वाट आवर। 32 में देखेंगे, 32 में द पार्टिकल विच हैविंग द 100 times दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ठीक है, इन ए सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ का हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें, μ0/4π (2πI)/R, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया, वैल्यू को रख दिया, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, I = Q/T, 100 times कर रहा है, तो Q = Ne होता है, तो 100 × 1.6 × 10⁻¹⁹, इसका चार्ज होता है, तो ये वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दी, हमें कौन सा ऑप्शन मिल गया, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। ए कंडक्टर ऑफ ए रेसिस्टेंस इज 0.5, रेसिस्टेंस 0.5 नहीं 5 ओम है,
इक्विवेलेंट एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें हर एक ब्रांच का रेसिस्टेंस कितना है, 5 5 5 है, नहीं ये पूरे तार का एक रेसिस्टेंस 5 है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में कितना हो जाएगा, 5 बाई 3 5 बाई 3 5 बाई 3, ठीक है, तीनों में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब किन्हीं भी दो वर्टिसेस के बीच का रेसिस्टेंस पूछा गया, तो 5 बाई 3 और 5 बाई 3 के किस में, सीरीज में, और ये होल कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, तो इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, विच इज ए बी और बी के बीच आ गया रेसिस्टेंस इज 10/9 ओम। द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस में होती है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है तो यू की वैल्यू -25 रख दी तो हमें वी की वैल्यू मिल गई 100। इसी तरह हमने V2 की वैल्यू निकाल ली, 20 - 50 V2 की वैल्यू आ गई, और मैग्नीफिकेशन होता है V अपॉन U, तो दोनों के मैग्नीफिकेशन का हमने देख लिया 25 का और 50 का, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6, ठीक है, ऑप्शन B इज़ करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि ये हमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट दिए गए, सबकी हमने पावर अगर निकाली है तो पावर क्या होता है, I² R, तो सबके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से हमने क्या कर दिया, करंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, I² R/3 3/2 I² R 3 I² R, ठीक है, तो इन सबको हमने अरेंज कर लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ए इज़ योर ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36, ए क्रिटिकल एंगल, लाइट गोज फ्रॉम मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ जा रही है, तो sin 1/sin θ, मतलब 1/sin θ इज इक्वल टू x/v, x इज इक्वल टू v/sin θ, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है हमें 400 वाट का, तो जब कभी भी ये रेटेड होता है तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस फाइंड कर लें। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमें लगता है रिपीटेड ही हो गया है, यही क्वेश्चन अभी जस्ट इसके पहले भी आया था, ठीक है, 400 वाट था और वहाँ पे 110 वोल्ट पे अप्लाई कर दिया था, अब यहाँ पे 100 वोल्ट पे, तो ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हो गया, 6.25 वाट आ गया, ठीक है। 38, टू पार्टिकल्स, जब कभी भी दो पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं तो मास जो होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका जो फॉर्मूला है ये आप क्लास 12th में इसका डेरिवेशन आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 10th में भी, अभी मुझे नहीं लगता अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्लास 12th में इसका आप डेरिवेशन पढ़ेंगे, तो मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस होता है, तो m1/n2, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कम लोगों ने ही करा होगा क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट्स पे आप लोग ज़्यादा ध्यान अभी नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। 39, द रे ऑफ द लाइट एंटर्स द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, sin 2i/i इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, तो sin 2i की वैल्यू क्या होती है, 2 sin a cos a, ठीक है, यहाँ इसका फॉर्मूला लगा दिया, चाहे तो हम यहाँ पे ये कर दें, अगर यहाँ पे अगर हम i लेंगे तो यहाँ पे i/2 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर हमने इंसिडेंट एंगल को डबल ले लिया है तो रिफ्रैक्टिव एंगल उसका क्या है, हाफ है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमने i की वैल्यू निकाल ली, cos इनवर्स, ठीक है, μ/2, लेकिन ये तो i हमारा एक्चुअल में इंसिडेंट एंगल कितना है, 2i है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हो गया a 2 cos inverse μ/2। क्वेश्चन नंबर 40 में फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर शोन, तो लेंथ कितनी दे रखी है, विच इज़ 4 आर, ठीक है, ये हम यहाँ से देखेंगे, इस इज 2 आर, तो डायमीटर के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की 4 आर लेंथ हो गई, ठीक है, फोर्स कितना है, BIL, फोर्स इज इक्वल टू BIL, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 4i BR, ठीक है, लगेगा अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केमिस्ट्री है, 42 का बी, 43 में ए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ठीक है, बस SO2 पे थोड़ा सा ध्यान देना, SO2 हमारा एसिडिक होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होता है, तो ए और बी दोनों, ए और सी सही लग रहे थे, तो कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। मोर सॉल्यूबल इन HCl, ये शायद मैंने नहीं देखा है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, SiO2 तो नहीं होता है सॉल्यूबल इन, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करता है SiO2 HCl के साथ, इन तीनों का एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने केमिस्ट्री पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। 45 का B और 46 का D, चारकोली एक ऐसा होता है जो एमार्फस होता है, बाकी सब क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। 47 का इसमें पूछा था नॉट क्रिस्टलाइन, 47 में हम देखते हैं फॉर्म एसिड, ईस्टर प्लस वाटर अगर मिला देंगे तो एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है,
तो ये आपको बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोपनीफिकेशन या एस्ट्रीफिकेशन जब आप देखते हैं सोप फॉर्मेशन में, इसका क्वेश्चन बोर्ड के सीबीएसई पेपर में भी मोस्ट प्रॉब्ली जरूर आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से भी। ठीक है, 48 में देखते हैं, एक्स एंड वाई आर द टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रखें, ऑप्शन बी। 49 का सी एल्कोहल, 50 में हम देखेंगे तो ये 50 का जाएगा बी। 51 में दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए दिए गए हैं विच डिवाइड्स द पॉइंट 43 एंड 85। तो सिंपल हमने ये डिवीज़न वाला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला लगाते हैं लगा लेंगे, m इंटू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो रेशियो 3:1 के में डिवाइड कर रहा है, तो m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 1 मान लेंगे। तो डायरेक्ट हमने इस फॉर्मूले में रख दिया, वैल्यू कितनी आ गई 73। बिल्कुल एग्जैक्ट NCERT का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, साइन एक्स कॉस एक्स जब भी दे दिया जाए, और अब ये sec और tan दे दिए गए तो यानी कि सबको अब आपको बेसिक वैल्यू में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो सबको sin और cos में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले टर्म तो sin और cos में हैं, तो इसलिए आप डिनोमिनेटर को भी sin cos में भी कन्वर्ट करके ही काम हमारा बन पाएगा। तो सबको sin cos में कन्वर्ट कर दीजिए, LCM ले लीजिए, फिर इन दोनों का आप क्या कर दीजिए, इनसे जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लीजिए और फिर टेक LCM ले लीजिए। ठीक है, LCM लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, जो जो टर्म कट रहे हैं उनको काट दीजिए, ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए। साइन एक्स कॉस एक्स ये ऊपर आ जाएगा 2, फिर आप नीचे वाले को क्या कर दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 1, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर वाला टर्म क्या आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, नीचे वाला टर्म भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए कैंसिल आउट कर दिया, ऑप्शन आ गया 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहाँ पे फिर से वही दो सिमिलर ट्रायंगल्स का दे दिया गया है, तो ये हमने पहले भी इस फॉर्मूले को बार बार डिस्कस करा है कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। एरिया 1 किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, तो यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेशियो डस डिवाइड द टू लाइन सेगमेंट्स, ये फिर से वही लाइन सेगमेंट वाला रेशियो डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई 2/3, सिंपल NCERT का ही क्वेश्चन है। 54 पेपर इजी था, ज़्यादा टिपिकल ये वाला नहीं था। अब ये भी आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, देयर इज AP कंसिस्टिंग 20 टर्म्स, द जनरल टर्म्स ऑफ गिवेन इज 220 एंड प्लस 5। जब कभी भी आपको इस टर्म में जनरल टर्म दे दिया जाए तो हमेशा आप याद रखिएगा n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करते चले जाइए, आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आपको मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ आपने हमने n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 रख दिया, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हमें मिल गए। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस d, ये हमको पता चल गया, यही हमें बताना था, c इज 20। ठीक, ये भी सिंपल एक NCERT का ही क्वेश्चन है, 4.12 का बार है इक्विवेलेंट टू, तो इसको हम x मान लेते थे और इसमें 100x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेसिमल वाला पार्ट क्या होता था आउट हो जाता था, तो x को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में पूछा गया था 136/33। ठीक है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स वाला आ गया है फिर से, तो यहाँ पे हमने सिमिलर ट्राइंगल्स वाले फॉर्मूलेस की प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, और वैल्यू आ गई 5/2। SCF दे रखा है 135/1725 हमने ये देख लिया, यहाँ से हमें SCF हमने डायरेक्ट इनका निकाल लिया इस 45। क्लियर, ये सब सिंपल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 59, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, sec थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है, और y इज इक्वल टू sin थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा। तो इस पे हमने sin थीटा cos थीटा के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, और y को भी sec को भी हमने 1/cos में कन्वर्ट कर लिया। एक्स की वैल्यू आ गई 1/sin थीटा कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा कॉस। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू पता करी, तो एक्स जो भी हमारा ये एक्स है इसको स्क्वायर करा और वाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू आ गई मेरा sec क्यूब थीटा। इसी तरह हमने एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू पता कर ली, वाई का स्क्वायर करा इंटू एक्स कर दिया, ठीक, और सबको जो भी कैंसिल आउट होते सिंप्लीफाई कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई 10³ थीटा। ठीक है, लेकिन हमें पता करना है एक्स स्क्वायर वाई की
की पावर 2/3, तो इसको एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू होती है सेक क्यूब थीटा की पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह हमने यहाँ पे भी करा एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी टेन क्यूब थीटा 2/3, क्यूब से क्यूब कट गया, टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें पता करना था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है विच इज़ इक्वल टू 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ए बी सी आर द कोलिनियर, तो कोलिनियर वाला फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, या सबका हम देखते हैं इन सबके बीच जो स्लोप होगा वो भी जीरो होगा, तो आप चाहें तो कोलिनियर वाला फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर दिए, चाहे कैसे भी कर लिए, कई मेथड से इसको सॉल्व करा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 का आ जाएगा ए, ठीक है, तो आप लोग अपने एनसीईआरटी में कोलिनियर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा जीरो। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में हम देख रहे हैं ये दो रेसिस्टेंस सीरीज में हैं, फिर इसके साथ ये पैरेलल में और ये इसके साथ पैरेलल में, ठीक है, तो ये तीनों रेसिस्टेंस 10, 10 और ये 5 आपके किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा कितना आ गया, दिस इज 2.5 और ये 2 के साथ सीरीज में लगा हुआ, टोटल रेसिस्टेंस हो गया मेरा 4.5। पावर कितनी हो गई, पावर इज इक्वल टू, अब मुझे क्या पता लगाना है, मुझे बतानी है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, आई कितना होगा ये वाला, ये आई कितना होगा, तो अभी मुझे अभी यहाँ पे केवल मुझे अभी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता चला है, कोई भी वोल्टेज नहीं पता चला अभी तक, ठीक है, लेकिन अब मुझे कुछ हिंट दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया 45 जूल पर सेकेंड, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अगर हम लगा लेंगे 45, ठीक है, इज इक्वल टू आई, किस रेसिस्टेंस में दिया गया, 5 ओम का, 5 ओम में, 5 ओम में कौन सी करंट जा रही है, I3, तो I3 स्क्वायर इंटू 5, तो मुझे I3 की वैल्यू पता चल गई 3 एम्पियर है, I3 की वैल्यू 3 एम्पियर है, 5 ओम में 3 एम्पियर जा रहा है, तो अब इन दोनों में भी कुछ कुछ करंट जा रहा होगा, तो ये 10 है और ये 10 है, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 5 है, तो यहाँ से करंट अगर मान लीजिए आ रही है तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट्स में, एक 5 इधर चली जाएगी और एक 5 इधर, तो यानी कि इसमें अगर 3 आ रही है तो इसमें भी क्या हो रही होगी, मिलके 3 जा रही होगी, ठीक है, तो यानी कि टोटल करंट आई कितनी हो जाएगी, आई इज 6 एम्पियर जा रही होगी, पॉइंट क्लियर है, और अगर 6 एम्पियर आ रही है तो 3 एम्पियर इधर आ रही है, और ये जो 3 एम्पियर आ रही है फिर अगेन ये 10 10 में आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि इसमें 1.5 जा रही होगी और इसमें भी 1.5 जा रही होगी, तो पावर डेसिपेटेड इन 10 ओम। अब 10 ओम में अब देखते हैं कि कितनी करंट जा रही है, 10 ओम में जा रही है हमारी I2, I2 में कितनी जा रही है, 3 का भी हाफ यानी कि 1.5 का स्क्वायर, 22.5 वाट, पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द 7 ओम रेसिस्टेंस, तो अब देखते हैं 7 ओम में कितनी करंट जा रही है सीरीज में, तो करंट सेम होती है 1.5 जा रही थी, तो 1.5 इंटू आर, ठीक है, 10.5 वोल्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे दिया गया है फाइंड द डिस्टेंस इमेज ऑफ ए फ्रॉम पोल, अब ये कुछ ऐसे रखा हुआ है ए और बी, मतलब थोड़ा सा ऐसे लेटा हुआ है, तो पूछा ए से, तो अब यहाँ से लेके पी से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 5 35, यू मतलब 35 लेंगे, और यहाँ पे पूछा गया है बी से, तो बी कितना होगा, पोल से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 30, तो बी कितना लेंगे, -30, ठीक है, और डायरेक्ट हम ये मिरर के फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है, और सॉल्व कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी -26.25, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी -30 यानी कि 30, ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछे गए थे, तो इसका ऑप्शन डी है, इसका ऑप्शन बी है, बस यहाँ पे कुछ नहीं है, ए और बी अलग अलग करके पूछा गया था, सिंपली इसको सॉल्व कर दिया। फिर अब देख लेते हैं केमिस्ट्री का पार्ट, केमिस्ट्री में क्या है, 66 में सिल्वर है, 67 का निकिल है, 68 का गोल्ड है, ठीक है, 69 का बोथ बी एंड सी है, 70 का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान दे दिया है, ठीक है, ये दिया गया है ट्रायंगल, ये है 3, ये है 4, कोऑर्डिनेट से ही हम निकाल सकते हैं लेंथ, 3 लेंथ है, ये 4 लेंथ है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 5, पाइथागोरस थ्योरम से ही,
व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू तो आपको वैसे ही डायरेक्ट ही नज़र आ रहा है, चाहे आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए 5, ठीक है। पी क्यू ओ इज़ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल है, साइन थीटा है तो साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, डायरेक्ट निकल आया, ठीक है। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये सब। क्यू पी ओ इज़ बीटा, ठीक है, ये अगर ये बीटा है तो साइन बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से डायरेक्ट 3/5, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे दिए इस बार यहाँ पे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कॉन्जुगेट है ना, ये प्रीवियस में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस बार यहाँ पे इसको इन्होंने कॉम्प्रीहेंशन में आ गया है, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन से हमने इसको देख लिया, कॉन्जुगेट ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये तो आपको पता ही है कि कैसे आप इसको, ठीक है, इसके ऊपर नीचे रैशलाइज कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, रैशलाइज करना सिंपल आता ही है, ठीक है, √17 - √6। ये तो बाद वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी थे, ठीक। तो पूरा मेरे ख्याल से सोल्यूशन हो गया पेपर 2 का। थैंक यू।